नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद को चरमपंथी मुस्लिमों की सोच से दिक्कत है। अपनी इस परेशानी को उर्फी जावेद कई मौके पर मुखर होकर बता चुकी हैं। वैसे उन्हें ट्रोल करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। सोशल मीडिया फैन क्लब पर उर्फी जावेद का एक वीडियो सामने आया है, जहां उन्होंने चरमपंथियों पर निशाना साधा है। इस वीडियो में उर्फी कहती हैं, जो भी चरमपंथी मेरी फोटो पर कमेंट कर कहते हैं मैं तो इस्लाम के नाम पर धब्बा हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े वो। क्या आप जानते हैं कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को जबरन पर्दा कराओ? हाँ, ये जरूर लिखा है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, पर ये नहीं लिखा कि वो नहीं करना चाहती तो पर्दा जबरदस्ती गालियों की उन पर बौछार से करो, इतना शर्मिंदा करवाओ कि वो खुद ही पर्दे में आ जाएं। ये नहीं लिखा कि आप फिर से जाकर कुरान पढ़ो। हाँ, पर ये जरूर लिखा है कि मर्दों को नजरों का पर्दा करना जरूरी है। एक आदमी शादी से पहले औरत को उस नजर से देख नहीं सकता। उर्फी जावेद ने माफी मांगते हुए बोला, जो लोग इंस्टा पर आकर लड़कियों को देखते हैं फिर उनकी फोटो पर फालतू के कमेंट भी करते हैं वो हराम है, ये आप सब नहीं कर सकते। इसी के साथ उर्फी ने इस्लाम में चार शादियों पर भी सवाल उठाए। उर्फी ने ये भी कहा कि जो लोग पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं वो भी कई ऐसी चीज करते हैं जो इस्लाम में गलत बताई गई है। उर्फी जावेद ने वीडियो में ऐलान किया कि वो इस्लाम को नहीं मानती। उर्फी जावेद ने साफ कहा कि वो स्पिरिचुअल है, किसी धर्म को नहीं मानती, वो अच्छे काम करने में यकीन करती हैं। उर्फी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।